लूट लिया इन्होंने देश को, 75 साल हो गए आजाद हुए, क्या पाया? बेरोजगारी। इतना झूठ, इतना जुमले चल रहे हैं भाई साहब। 15 लाख पहुंच गया घर घर, पहुंचा नहीं? कमाल है, 15 लाख पहुंचा नहीं? पंजाब में भी नहीं पहुंचा, वो नहीं आएगा, वो तो जुमला था जी, जुमला। किसानों की भलाई के लिए काम किए जाएंगे, किसानों की फसलों के दाम दिलवाए जाएंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। राजनीतिक गंदगी साफ करनी है। लूट लिया इन्होंने देश को, 75 साल हो गए आजाद हुए, क्या पाया? बेरोजगारी। क्या पाया? कोई स्कूल नहीं है ढंग का, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो भाई साहब 75 साल बाद हमको ये मिला, लेकिन पंजाब और दिल्ली में फोन करके पूछ लेना, दिल्ली में पहले काम हो गए, पंजाब में हो रहे हैं, अभी 1.5 साल पौने 2 साल हुए हैं, बहुत शानदार स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, पंजाब में लगभग 88 से 90% लोगों को बिजली का बिल जीरो आता है भाई साहब, बिजली का बिल जीरो। यही दिल्ली में होता है, नौकरियां निकल रही हैं, आम घरों के बच्चे वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पटवारी बन रहे हैं, एसडीओ बन रहे हैं, नई नई नौकरियां निकल रही हैं, आम लोगों के बेटे बेटियों को काम मिल रहा है। तो भाई साहब ये काम तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है। अगर तो आपको भ्रष्टाचार चाहिए, अगर तो आपको गंदी राजनीति चाहिए, अगर तो जाति धर्म के नाम पर कोई लड़ाई चाहिए, तो उनको वोट दे देना। अगर अपने और अपने परिवार का भविष्य चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना भाई साहब। आप इस सिनेमा चौक पे इतनी भारी संख्या में आए हो, ये इसी बात का संकेत है। ये भ्रष्टाचारी क्या पैसे साथ में ले जाएंगे क्या? कुछ नहीं जाता साथ में। इनको बोल देना भगवंत मान आया था कटंगी में, सिनेमा चौक में आके इनको बोल देना कि ये बोल के गया था इन भ्रष्टाचारियों को कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रह जाता है। गरीबों की बद्दुआएं ना लो, गरीब की हा, गरीब की बद्दुआ और परमात्मा की दरगाह सीधा है भाई साहब, रावता सीधा रावता है। हम लोग तो गरीबों का भला करने के लिए आए हैं, हम लोगों ने पार्टी आम लोगों की बनाई है, तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं जितनी भारी संख्या में आज लोग आप आए हैं, ये आपकी भड़ास है, ये सिस्टम के खिलाफ भड़ास है जो 70-75 साल से भरी हुई है। ठेका ले रखा है इन्होंने क्या देश का, कि हम ही बनेंगे, उसके बाद हमारा बेटा बनेगा, उसके बाद भतीजा बनेगा, फिर बुआ आएगी, फिर फूफा आएगा। भाई साहब कमाल है यार, हद है यार। इन नेताओं के बेटे बेटियों को बोल देना कि अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर ले, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आम लोगों के। ये आपस में लड़ाते हैं भाई साहब, ये जाति धर्म की राजनीति करते हैं। हम तो स्कूल की बात करते हैं, हम तो अस्पताल की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, ये लड़ाते हैं हमको। मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। ये टुकड़े टुकड़े करते हैं सर, ये छोटे छोटे, इसको इससे लड़ा दिया, इसको इससे लड़ा दिया और खुद जीत गए। ये काम हम नहीं करते जी, हम तो, मुझे पत्रकारों ने पूछा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा बहुत सीटें आएंगी। कहते आप सर्वे में नहीं आ रहे, मैंने कहा क्या बोला? कहते सर्वे में नहीं आ रहे, मैं क्या आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है। दिल्ली में किसी ने सोचा था
70 में से 67 किसी सर्वे ने नहीं बताया था भाई साहब। पंजाब में किसी ने सोचा था? 117 में से 92 किसी सर्वे में नहीं आया भाई साहब। हम तो सर्वे से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि जब लोग लड़ाई लड़ते हैं ना, वो किसी सर्वे में नहीं आती भाई साहब, किसी सर्वे में नहीं आती। इसीलिए आपके पास आया हूं कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल का संदेशा लाया हूं कि एक मौका देके देखिए, उसके बाद आप उन पार्टियों को वैसे ही भूल जाओगे और खुद भी कहोगे यार इससे पहले आ जाते तो इससे पहले भी वोट दे देते इनको, अगर इतना अच्छा मध्य प्रदेश बनाना है। क्या नहीं है मध्य प्रदेश के पास? नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, जीवन है, बहुत मेहनती लोग हैं, कोयला है, क्या नहीं है भाई साहब? लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं है, सच्ची नीयत वाले नेता नहीं है। अगर वो आ जाए तो हमारा देश नंबर वन दुनिया में बन जाएगा, लेकिन कहने से नहीं बनेगा। इतना झूठ, इतना जुमले चल रहे हैं भाई साहब। 15 लाख पहुंच गया घर घर? पहुंचा नहीं? कमाल है, 15 लाख पहुंचा नहीं? पंजाब में भी नहीं पहुंचा। वो नहीं आएगा, वो तो जुमला था जी, जुमला। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मेरे ख्याल में ये भी जुमला ही होगा भाई साहब, चाय भी बनानी आती नहीं होगी मेरे ख्याल। इनकी बातों में मत आना, तो बस आप जाना अंदर पोलिंग बूथ के, आराम से तीसरे नंबर का बटन दबा के आम आदमी पार्टी को जिता देना। आपकी जिम्मेदारी बटन दबा के खत्म, हमारी जिम्मेदारी आपके बटन दबाने से शुरू। हम उसके बाद काम करेंगे, किसानों की भलाई के लिए काम किए जाएंगे, किसानों की फसलों के दाम दिलवाए जाएंगे, दुकानदारों की दुकानदारी को और बड़ा करेंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे और आम लोगों को नौकरियां देंगे, आम लोगों के बेटे बेटियों को रोजगार मिलेगा, घर में बरकत आएगी, घर में खुशियां आएंगी, तरक्की आएंगी। हम तो ये कामना करने वाले लोग हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे।